मैंने अपनों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के विषय में कुछ बातें करेंगे और हो सकता है आपको भी कुछ इस प्रकार से नॉलेज मिले। और कुछ यूट्यूब पर वीडियो यदि बना रहे हैं या फिर कुछ मेरे भाई होंगे जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो लोग डेली कहते हैं कि सर आपका वीडियो पर व्यूज क्यों लो हो रहा है, तो हमको भी बहुत अधिक टेंशन हुआ था और उसी के संबंध में मैंने यूट्यूब टीम से बात किया था। तो आज उसी का परिणाम कुछ निकला है और देखते हैं क्या यूट्यूब से बात हुई है और उन्होंने क्या क्या रिप्लाई दिया है। सो लीजिए भैया से कुछ बात कीजिएगा। हाँ दोस्तों, दुख तो है लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने पहले ही क्यों नहीं यूट्यूब टीम से बात कर लिया। बात किया बहुत लेट में किया बात किया मैंने बहुत लेट में बात किया जैसा कि बस मैंने बता प्लीज दिया। बोलो। तो साथियों, चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर और दिखाता हूँ क्या कारण है, क्यों व्यूज कम हो गए। दरअसल ये बात कि मैंने जो बातें की उनसे वो व्हाट्सएप में हमारे है, व्हाट्सएप में है क्या, कैसे हुआ, क्योंकि मैंने जो वो इंग्लिश में बात कर रहे थे तो मैंने जो उसका ट्रांसलेशन था उसको कॉपी करके व्हाट्सएप के जरिए से व्हाट्सएप में सेंड करता था पेस्ट करके, फिर इनके मोबाइल से उसे हिंदी ट्रांसलेशन करता था। ट्रांसलेशन करने के पश्चात में उसकी मतलब को अच्छी तरह समझता था, फिर इंग्लिश को हिंदी में बोल करके इंग्लिश ट्रांसलेशन करता था, फिर उनके पश्चात पास पास भेज देता था। तो देखिए, मैं अपने व्हाट्सएप में खोल रहा हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या बात हुई है आखिरकार। तो यहाँ पर आ चुके हैं, कहाँ पर पहला वाला है, सबसे ऊपर है, ऊपर यहाँ से है, यहाँ से। फर्स्ट साइड में चाहिए। तो है क्या, माई डियर यूट्यूब, इट पर्सन कम्स टू यूट्यूब, यानी कहने का मतलब पूरा आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। कहने का मतलब है क्या साथियों, कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स के पास है नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, और न ही सजेशन कर रहा है। कुछ ही लोगों के पास यह सजेशन और नोटिफिकेशन जा रहा है जो कि हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और लोगों के पास नहीं जा रहा है। कारण क्या है, मैंने जानने का प्रयास किया यूट्यूब से, तो उन्होंने कुछ मांगा मुझसे। नीचे देख सकते हैं इज द ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस और एक यूट्यूब का लिंक भी मांगे थे जो था हम लोगों का, वो दिए मैंने। देने के पश्चात फिर आगे लिखे क्या है, ऑल राइट अपॉन चेकिंग योर व्यूज काउंट एंड वर्किंग एज इन इंटेंड, यानी कहने का मतलब है कि मैं आपके चैनल को, आपके जो व्यूज और काउंट को मैं अभी चेक कर रहा हूँ, क्या कारण है, क्या रीजन है। फिर आगे इस चलती बातें देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं फास्ट चलने का प्रयास करता हूँ। फिर बातें होने के पश्चात में यहाँ पर लिखे क्या है कि यू विल रिसीव एन ईमेल लेटर ऑन कमिंग फ्रॉम, यानी आपको एक ईमेल लेटर प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज आपको डाउट क्लियर कर दो कि जो व्हाइट कलर का है वह यूट्यूब टीम का है, और जो ग्रीन कलर का है, जो हल्का सा येलो कलर कर सकते हैं, यह हमने जो लिखा है, कहने का मतलब कि हमने भेजा है और ये कॉपी करके उनकी तरफ से निकाला है मैंने, तो बस व्हाइट कलर वाला यूट्यूब टीम की तरफ से, ऐसा समझने का प्रयास करिएगा। और फिर यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है नीचे, यहाँ पर जो व्हाइट कलर का है उसे देखने का प्रयास करिए, आई हैव डन अ चेक ऑन योर चैनल। तो मतलब कि वे चैनल को चेक करने के पश्चात में क्या पाते हैं, आई कैन सी दैट यू पोस्टेड मोर देन 3 टाइम्स इन योर चैनल, यू हैव 3 वीडियोज एंड 2 कम्युनिटी पोस्ट फॉर द पोस्ट 24 आवर्स, यानी 3 टाइम्स से अधिक आपके चैनल पर कल का चेक किए हैं, पिछले दिन का, प्रीवियस डे का, पोस्ट 24 आवर्स का चेक किए हैं। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में आपके चैनल पर क्या क्या किए गए हैं, कि 3 बार आपको डालना चाहिए था लेकिन आपने डाला है कितने, 3 वीडियोस डाल दिए हैं, 3 ही वीडियोस है ना, 3 वीडियोस डाली हैं और 2 कम्युनिटी मार दी है, इस प्रकार से आपने 5 कर दिए हैं। ताकि इस कारण से लोगों के पास यह सजेशन और नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। आगे लिखा भी है यही चीज कि प्लीज नोट दैट इफ यू पोस्टेड मोर देन 3 टाइम्स विद इन 24 आवर यू सब्सक्राइबर डोंट रिसीव, यहाँ पर लिखा है कि डोंट रिसीव, यानी आपके जो रिसीव नहीं करेंगे नोटिफिकेशन आफ्टर द थर्ड पोस्ट, यानी तीसरी बार पोस्ट करने के पश्चात आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो लोगों के पास नहीं भेजेगा। मैंने क्या करता था कि हालांकि कल तो 2 ही पोस्ट किया था, इसके पहले मैं क्या करता था कि 3-3 4-4 पोस्ट सुबह उठते ही मैं कर दिया करता था, और मुझे मालूम नहीं था
उसके बारे में कि 3 बजे से ज्यादा करेंगे तो जो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा बाद में करके 12-1 बजे 2 बजे मैं बनाकर डालता हूँ, वो लोगों के पास भेजेगा नहीं, यही सब कारण था। और ऐसा करने पश्चात उन्होंने भेजा कहा है कि मैं आपके पास एक लेटर भेजूंगा और लेटर का मुझे इंतजार है। आगे पास आगे क्या लिखते हैं कि द मैक्सिमम इज 3 पोस्ट पर डे विच इंक्लूड न्यू वीडियोस, यानी आपको अपने चैनल पर मात्र 3 ही पोस्ट करना है, 3 से ज्यादा नहीं। 3 पोस्ट करने का मतलब यह है कि जो तीन एक कम्युनिटी भी शामिल हो जाएगी उसमें, और एक वीडियो शामिल हो जाएगी, और लाइव स्ट्रीमिंग, यानी 3 के अलावा आप यदि एक्स्ट्रा करेंगे तो लोगों के पास नोटिफिकेशन जाना बहुत ही कम भेजेगा और न ही सजेशन करेगा। मैं अपनी गलती बता दिया कि मैं सुबह ही 3-3 4-4 पोस्ट कर दिया करता था अक्सर करके, और जानते ही आप लोग के पास बहुत ही कम पहुंच रहा, और भी धीरे धीरे लोगों के पास यूट्यूब सजेशन कम करता गया, और एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि धीरे धीरे एकदम सजेशन करना बंद ही कर दिया, लोगों के पास कम पहुँचना पहुंच रहा है इस समय वीडियो, तो इस कारण से बहुत ज्यादा परेशानी है। देखिए इसमें लिखा है कि द मैक्सिमम इज 3 पोस्ट पर डे विच इंक्लूड्स न्यू वीडियोस लाइव स्ट्रीमिंग एंड कम्युनिटी पोस्ट, यानी सबको मिला करके, बस इतना ही था साथियों। और यहाँ पर लिख दिया है, और यह कब कितना टाइम बातें चली, 8:10 से बातें चल रही और 8:54 तक ऐसा कहानी चला। कुछ लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि यह फेक है, फेक करने का मतलब है कि अपने से बनाकर करें, ऐसा नहीं दोस्त, विश्वास करिए। ये यूट्यूब टीम से जो बात हुआ है वो कॉपी करके मैंने हिंदी में बात की है, उसे समझिए एक तरह से। यदि आपको कोई यदि बात करते हो अगर हिंदी में आप लोग करते होंगे कि उसका ट्रांसलेशन करके फिर उसको भेजते होंगे, क्योंकि यदि 1-2 मीनिंग इधर उधर हो जाती है तो दिक्कत आ जाता है, उन लोगों को लिख देते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो यहाँ हिंदुस्तान वाले रहते हैं तो समझ जाएंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, लेकिन वो भाई दूसरे देश के रहते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। बस मैंने पहले बता दिया कि मुझे दुख इस बात का है कि मैंने क्यों नहीं पहले ही बात कर लिया, अब बात किया। फिलहाल बोले हैं कि आप पुनः फिर उसी प्रकार से चैनल ग्रो करेगा, लेकिन 1-2 वीडियोस अच्छे रैंक करने के पश्चात। तो चलिए दोस्तों आज बस यही था, और पूरी निष्कर्ष ये निकले कि आप लोग भी यदि यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे होंगे तो डेली 3 वीडियो से ज्यादा मत डालिएगा, यदि 3 वीडियो से ज्यादा डालेंगे तो जो ज्यादा होगा उसका नोटिफिकेशन नहीं दूसरे लोगों को सजेशन में नहीं डालेगा, जिससे कि क्या होता है कि आपके चैनल का रिटेंशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे कि यदि और कोई अगला वीडियो डालो तो धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा। तो बस यही थी, और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ यदि यूट्यूबर दोस्त होंगे तो उनके लिए थोड़ी सी अच्छी बात होगी, क्योंकि उनको एक प्रकार से आइडिया लग गया होगा कि कितने वीडियो डेली अपलोड करें, और सब कम्युनिटी पोस्ट को मिला करके भी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और यदि आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा जो भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल मैं उसी प्रकार से मेहनत करूंगा जिस प्रकार से करता हूँ, पिछले दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी प्रकार से करता रहूंगा, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, और आपके प्यार को सपोर्ट करता हूँ। हाँ थोड़ा सा रहती बात की थोड़ा सा मन में डिमोटिवेशन सा आ जाता है कि एक बार चैनल ग्रो किया फिर लो हो रहा है, उससे क्या मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बहुत तो एक जो मेहनत किया हुआ है इंसान है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉस होता ही है दिमाग का। और आपके प्यार से यार हमको इतना डिमोटिवेशन नहीं आता है, आपके प्यार के जब सुबह झकता हूँ ना तो आपको देखता हूँ कि कौन, और ऐसा कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि मेरे कमेंट को नहीं पढ़ने हैं, लेकिन मैं सबकी कमेंट को पढ़ता हूँ, भले ही रिप्लाई देने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता हूँ, क्योंकि मोबाइल ऐसी है कि उसको मतलब कि लिखो कुछ और तो लिखा जाता है कुछ और, इस प्रकार से कुछ मोबाइल की दशा हो गई है, तो रिप्लाई देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वीडियो आपको अरे आपके कमेंट को डेली पढ़ता हूँ और सब कुछ समझता हूँ किस प्रकार से, और जिसका रिप्लाई यदि अर्जेंट रहता है उसको देने का प्रयास भी करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देख लीजिएगा हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान को बताया था वही है, और यहाँ पर हमने जो कुछ भी लिख दिया उसको भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों कक्षा 10 के क्लास के लिए आप जा सकते हैं स्टडी सुपर वन पर, और टेक्निकल से रिलेटेड यदि जानकारी लेना है तो स्टडी टेक्निकल पर जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।